अगले शेर में शायर यूं कहता है, यूं तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, यूं तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े हैं तो मदारात करो हो। यानी शायर इस शेर में कहता है कि अब अगर रास्ते से किसी शख्स की मुलाकात भी हो जाए तो देख भी नहीं रहे मुंह फेर के कि भाई पीछे से हमारे दोस्त आ रहे हैं, पीछे से हमारे जो है वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने हमें चुनकर दिया है, या पीछे से हमारा महबूब आ रहा है। शायर का इशारा महबूब की तरफ भी हो सकता है, आज के हुक्मरान की तरफ भी हो सकता है, दोस्त की तरफ भी हो सकता है, कि यूं तो हमको देख भी नहीं रहे, हमारी तरफ जो है इल्तिफात भी नहीं कर रहे, हमारे तरफ नजर सानी भी नहीं कर रहे, हमारी तरफ किसी किस्म की कोई तवज्जा नहीं है, लेकिन जब हमसे काम पड़ता है तो शायर कहता है कि मदारात करते हो। मदारात करना यानी खुशामद करना, खुशामद करते हो कि भाई जो है हमारे तुम जो है हमारे लिए बहुत कारामद हो। इसलिए शायर कहता है, यूं तो हमें मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, और जब वक्त पड़े हैं तो मदारात करो, खातिर मदारत करते हो और खुशामद करते हो ताकि जो है आपके काम बन जाए, और जब काम निकल जाता है तो हमारी तरफ जो है जरा सा भी इल्तिफात भी नहीं करते हो, हमारे ऊपर नजर सानी भी नहीं करते। कलीमा जिसका अगला शेर है, दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई वार, तुम कत्ल करो हो के करामात करो। प्यारे अजीज तलबा तलबात, ये जो है डॉक्टर कलीम आजिज साहब का बहुत मशहूर शेर है। मशहूर शेर इसलिए है क्योंकि ये शेर उन्होंने जो है 15 अगस्त को जो है लाल किले पर तकरीर के दौरान जो है हमारी उस वक्त जो है वजीर आजम हुआ करती थी इंदिरा गांधी जी, उनके सामने जो इस शेर को पढ़ा था बेबाकाना तौर पर, तो इसीलिए जो है ये उनका शेर मशहूर है। यूं भी अगर जब वक्त पड़े वक्त मिले हैं तो वक्त निकाल कर आप जो है कलीम आजिज की शख्सियत पर YouTube के ज़रिए गूगल के सर्च के ज़रिए जो है अगर नज़र डालेंगे और उनकी जो है सवाने को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जो है कलीम आजिज जो है उस वक्त कितने परेशानियों से गुजरे हैं, कितनी जो है मुसीबतें किसी कितनी अजियतों का जो है उन्होंने सामना किया है। इसलिए जो है उनके जो है गज़ल में ऐसे शेर पाए जाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई वार, तुम कत्ल कोई दाग तुम कत्ल करो हो के करामात करो। यानी जब इंसान कोई इंसान किसी का खून करता है तो जो खून करने वाला है उसके दामन पे जो है खून के छींटे नजर आते हैं, और जिस खंजर से वो खून करता है वो खंजर पर जो है खून के दाग नजर आते। लेकिन शायर कहता है आज के हुक्मरान से कि दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई वार, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई वार, तुम कत्ल करो हो के करामात। यानी तुम ऐसा कत्ल करते हो, ऐसा जो है लोगों को परेशान करते हो गोया के ऐसा लगता है कि तुम उसमें जो है मुलजिम नहीं हो, तुम जो है साफ शफाफ जो है यहाँ से निकल जाते हो, तुम इसके कोई कसूरवार नहीं। यानी आपने खून भी किया, आपने किसी मुख्तलिफ किस्म की लोगों को अजियतें पहुँचाई, मुख्तलिफ किस्म की जो है परेशानियाँ खड़ी की, लेकिन तुम्हारे रवैये से ऐसा लगता है कि तुम इसमें जो है एक जो है ऐसी शख्सियत की जो है मर्तबा रखते हो जो शख्स इस तमाम बातों से बदयुज़िम्मा है। अब जब शायर ने ये सारी बातें जो है हुकूमत के खिलाफ, अपने दोस्त के खिलाफ, अपने दोस्त के लिए, अपने हुकूमत को जो है कही है, तो आखिर में जो है शायर बचने की भी कोशिश करता है। जो शायर जो है आखिरी शेर में जो है गज़ल का मक्ता कहलाता है, तो मक्ते में शायर कहता है, बकने भी दो आज इसको जो बोले हैं बके, दीवाना है दीवाने से क्या बात करो। तो शायर कहता है कि भाई अब ये जितनी बातें तो मैं कह चुका हूँ, तो ऐसा यूँ समझो कि जो है जितना भी बका है दीवाने ने कहा है, और दीवाने ने कहा है तो जब जो है किसी दीवाने की बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो जो है गोया कि कलीमा आजिज की भी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। इसलिए शायर कहता है, बकने भी दो आज इसको जो बोले है बके, जो बोलना चाहे कलीम आजिज को बोलने दो, क्योंकि कलीम आजिज जो है क्या है दीवाना है, और लोग जो है दीवानों की बातों को नज़रअंदाज करते हैं।